हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हो सब? हम तो एकदम बढ़िया है। हम है मीनू मौसी, और जिनके इंटरव्यू में होता है एंटरटेनमेंट एकदम फ्री। और आज देखो, एंटरटेनमेंट करवे काजे को आओ है हमारे संगे। पहले तो हर्ष, हाय, कैसे हो? सब ठीक ठाक? नमस्ते मीनू मौसी, कैसी हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया हैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम एकदम मस्त हैं, चौकस है एकदम। चौकस हो? हाँ, देखो चेहरे की स्माइल बता रही है कि गुल्लक आए रहो और खूब मजेदार होइबे वालो है इस बार है। आप देखिएगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगना जरूरी है। देखो हमें तो बड़े पहले सीजन बहुत अच्छा लगा। हमने पांचों के पांचों एपिसोड देखे। तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए भैया के पीछे पीछे भागे तुम, भैया को इतना परेशान करा भैया, मतलब हम तो परेशान हुए देख देख कि ये जो ये अन्नू को तुम इतना परेशान काय करा था। पहले तो हम जे पूछे हैं, हम ऐसे ही करते रहते हैं परेशान सबको, सेट पे भी करते रहते हैं, शो में भी करते रहते हैं, ये चलता रहता हमारा। अच्छा तो चलो बड़े हम दर्शकन को बता दें कि बहुत जल्दी गुल्लक को सीजन टू आईबे वालों है, और सीजन टू में का का धमाल हुए ये तो भैया हर्ष ही बताए। तो चलो पहली बात तो हर्ष बताओ भैया, ये गुल्लक सीजन टू में का का स्पेशल हुए वालों है? पहले तो सबको नमस्कार, मीनू मौसी के जितने व्यूअर्स हैं उनको। और मेरा नाम हर्ष है, हर्ष मायर है। और सीजन टू गुल्लक सीजन टू 15 जनवरी को, यानी कि कल आने वाला है। तो आप सब लोग देखेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा जो लोग छोटे शहर से हैं, जिन्होंने पहला सीजन ऑलरेडी देखा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं ये बता दूं कि जो लोग छोटे शहर से हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली में हैं, जो फैमिली से हैं और एक साथ सब लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनको ये सीजन इतना पसंद आएगा और वो इतना रिलेट करेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल सही कही, पहले सीजन से सब लोग रिलेट कर लो। कैसे जो घर की बनावट भाई है, घर में एक तरफ पुताई एक तरफ नई पुताई, काई जमीन नीचे और कच्ची जमीन, वो सब तो से भैया रिलेट मोटर बंद कर दो, पानी चला दो, मोटर खराब हो गई, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे छोटे शहरों में और जो मिडिल क्लास फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब दिखाई गई है गुल्लक सीजन वन गुल्लक सीजन टू दोनों में। अच्छा तो चलो गुल्लक, पहले तो गुल्लक बन की याद कर ले। तो गुल्लक बन के कितने सीजन, देखो पांच कितने एपिसोड, पांच एपिसोड आए थे, तो पांचों एपिसोड में सबसे फेवरेट एपिसोड तुम्हारा कौन सा होता? मेरा हम दो और हमारे दो, जिसमें भाई भाइयों की लड़ाई होती है, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो एपिसोड बहुत फनी है। उस एपिसोड से सबने रिलेट किया था। हम भी दो भाई हैं तो वो बहुत, मतलब सभी ने उस एपिसोड के लिए मुझे बहुत मैसेजेस किए, बहुत सबको बहुत पसंद आया था वो एपिसोड। बर हमें तो सारे एपिसोड, जब तुम्हारी मम्मी को सर दर्द होता है तो जो पट्टी बांध लेते, हमें तो पूरी याद आ गई। हमें तो लगा कि हम ही वहां मौजूद आते हैं, हम ही सर पे पट्टी बांध लेते जब सर दर्द होता है। अच्छा ये अपने आप को तुम कितना रिलेट कर पाता हो ये गुल्लक से? मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि हम भी दो भाई हैं, मैं जबकि बड़ा हूँ घर में, लेकिन ये छोटा पहली बार मैंने कुछ ऐसा कोई करेक्टर प्ले किया है जो बहुत ही स्वीट और मतलब जो बहुत ही अंडरडॉग है, और उस तरीके का किरदार मैंने प्ले करने की कोशिश की है जो मैंने पहले कभी नहीं किया है फिल्मों में या जहाँ भी, तो मुझे बहुत मजा आता है। और एक फैमिली की कहानी, इस फैमिली में सबसे खास बात यह है कि अगर हम सिनेमा में देखते हैं या फिर कहीं पे कि एक हीरो होता है, इसमें फैमिली ही हीरो है। इसमें हर किरदार की इतनी एक इम्पोर्टेंस है कि अगर एक भी आदमी ना हो एक भी सीन में, तो आपको लगेगा यार यार बिट्टू की मम्मी नहीं आई, यार अमन नहीं दिख रहा, यार अन्नू कहाँ है, या मतलब लोग वो वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इतना इतना लोगों ने अपनी अपना परिवार इस शो को बना लिया है, और इस मिश्रा परिवार को अपना परिवार लोगों ने बना लिया है। सही बात कही, मिश्रा परिवार तो एकदम अपनों परिवार लगा थे। लेकिन एक बात बताएं, जी गुल्लक की बात अगर पूछे, एक तो गुल्लक का वो एक किरदार है, वो में तो गुल्लक ही तो पूरी कहानी बताते हैं वो में। हाँ। तो ये गुल्लक की बात करें तो तुम्हें गुल्लक अभी है, तुम्हारे फिर गुल्लक है कि नहीं है घर में? सबके घर में हो भैया, हमारे घर में हुए है। घर में बचपन में थी, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बचपन में थी मीनू मौसी, बचपन में। हाँ मम्मी ने एक बार उसे तोड़ के जन्मदिन भी बनाया था मेरा। अरे वाह, मतलब एक याद जुड़ी है तुम्हारी गुल्लक के साथ। है काफी सारी यादें हैं, पर वो बहुत बचपन में होती थी, तो अभी तो कभी कभी उसमें से 10-5 हज़ार बहुत मम्मी जमा करके रखती थी, तो कभी हिम्मत नहीं हुई उसे तोड़ने की, लेकिन मम्मी को बहुत अच्छा लगता था गुल्लक में पैसे जमा करना। अब तो फिलहाल नहीं है कुछ समय से। तो अगर मतलब ये ट्रेंड जो चलोगा है गुल्लक रखबे को, हमें याद आया था मतलब ट्रेंड का ही चलोगा ये गुल्लक को भैया। हाँ तो गुल्लक अब क्या है, लोगों ने गुल्लक को पिगी बैंक कर दिया है ना, तो उस तरीके का मिट्टी की गुल्लक है, लोग अभी थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, लेकिन हाँ जरूर, लेकिन गुल्लक देखेंगे तो उनको वो मिट्टी की गुल्लक जरूर याद आएगी। और
काफी सारे लोगों ने तो मुझे फोटो भेजी है कि भाई हम लेके आ गए अपने घर पे फर्स्ट सीजन देखने के बाद कि अब हम पैसे जमा करने शुरू कर रहे हैं इसमें, और इसमें बहुत यादें जुड़ी हुई है, तो उस तरीके की जो भी चीजें हैं। अच्छा अच्छा, अगर बात करें अमन के किरदार की, देखो तुमने जैसे बताया कि तुम तो रियल लाइफ में दो भाई हो, तुम्हारे छोटे और तुम बड़े हो, तो कुछ सीखो ये तुमने छोटे भाई से कि छोटे भाई बड़े भाई को कैसे परेशान करा था, कैसा तुम बहुत परेशान करा था अन्नू को। हाँ मैंने मतलब फर्स्ट सीजन में थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली थी अपने छोटे भाई से, मैंने सबको बताया था कि उसकी कुछ कुछ नुआंस मैंने यूज किए थे, जैसे वो बात करता है, जैसे उसकी चीजें हैं वो थोड़ी बहुत अपने किरदार में डालने की कोशिश की थी। जब पहली बार मुझे गुल्लक सीजन 1 ऑफर हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बड़े भाई के लिए इन्होंने बोला है, तो फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं आपका इस करेक्टर के लिए नहीं, आप अमन के लिए टेस्ट कीजिए। तो मैं हैरान रह गया कि यार ये कैसे मैं प्ले करूं, वो मेरे लिए बड़ा एक टास्क था। और फिर मैंने जब उनको ऑडिशन दिया, वो भेजा मैंने 2018 में TVF को, तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने सोचा कि हाँ यार इसके साथ काम करते हैं, तो ऐसा था। अच्छा, जब ये एक परिवार बना मिश्रा परिवार, तो देखो मैंने 2020 में सबने याद करो है मिश्रा परिवार को, तुमने कितना मिस करो है मिश्रा परिवार को। मैं तो बहुत मिस करो मीनू मौसी बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जमील खान सर से मिलके, गीतांजलि मैम से मिलके, वैभव भाई से मिलके, और सुनीता जी से मिलके, सबसे मिलके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग एज एन एक्टर्स काम नहीं करते। यूजुअली जब हम सेट पे जाते हैं तो एक वैसा रहता है कि लोग काम करते हैं, अपने वैनिटी में चले जाते हैं, यहाँ ना एक ऐसा माहौल नहीं है, हम लोग एक ही जगह बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है, फिर इन्हें शूटिंग करवाने के लिए हमें खींच के ले जाना पड़ता है कि यार ये बैठ के बात ही करते रहेंगे। अभी वो लोग है नहीं, अगर इंटरव्यू में होते तो मतलब आप समझ लो कि वो बोलने का मौका ही नहीं देते, आपस में ही खचर पचर चलती रहती है हमारी मतलब हम इंटरव्यू ना भी पाते हो तुम लोग आपस में बतियाते रहते हैं। आपस में बतियाते रहते हो, ये है ऐसा। अच्छा, अगर सीजन 2 की शूटिंग की बात करें तो सीजन 2 की जो शूटिंग है वो कब और कहां और कैसे, भाई मतलब घर तो वही हुई है तो ये घर कहां बना होगा भैया, मतलब सब दर्शक जाने नहीं बनाया नहीं गया है, ये घर बनाया नहीं गया है, ये घर एक्चुअल भोपाल में है, इसमें सारे लोगों की मेहनत लगी है, मतलब ये घर बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया था मुझे पता चला, लेकिन इस बार जितने लोगों की मेहनत लगी है, पलाश भाई जो इसके डायरेक्टर है, दुर्गेश सिंह जिन्होंने लिखा है, शहरी भाई जो प्रोड्यूसर है, TVF, सोनी लिव, अभिषेक झा भाई, मुदित भाई, जितने भी सारे लोग हैं, इनकी इतनी मेहनत है और इतने प्यार से इन्होंने संजो के ये शो बनाया है, तो मतलब हमें ये जरूर था कि पहले सीजन में क्रिएटर्स, लेकिन इन लोगों ने ऐसा ओन किया गुल्लक 2 को और ये एक नौ चुप्पर लेके गए हैं। मैंने शो देखा है और वो इतना मजेदार मुझे लगा, कल सब लोगों के बीच वो आ ही जाएगा, तो आप भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बनाया बहुत सुंदर है इस बार यूजुअली। और अच्छा देखो तुमने घर की बात बताई कि घर भोपाल में है, तो घर में कोई राहत है कि घर खाली है, तो मतलब कैसे वहाँ शूटिंग कर, कैसे इतनी छोटी सी जगह में शूटिंग की परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ पे एक मतलब चचा जान रहते हैं जिनका वो घर है, जिनकी वो जो जगह है वो उनकी है, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, 2 बार की तो उन्होंने परमिशन हमें दे दी, अभी 3री 4थी का नहीं पता, जब भी आगे सीजन बनेगा कि वो देंगे या नहीं देंगे, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े ही स्वीट इंसान है और उन्होंने हमें मौका दिया अपने घर में शूट करने का। सही बात है, मतलब घर देखकर तो सच में, मतलब अगर टीवी की बात करें तो सीरियल की दुनिया में ना अगर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई जाता है तो बहू ऐसी लग रहा था कि भैया ये तो हाई क्लास है, और जे में जो मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है एकदम टिपिकल मिडिल। टीवी में बहू भी मेकअप करके उठती है सुबह, जैसे हम थोड़े से मसाई कही बिना, नहीं आप तो इंटरव्यू के लिए आई है ना, अगर सो के उठ इंटरव्यू करती तो मैं कहता कि हाँ यार नहीं नहीं ये भी मेकअप ही करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर बात करें जैसे तुमने कहीं बिना मेकअप के, सच में तुम सब लोग जितने आर्टिस्ट हो बिना मेकअप के शूटिंग करा था कि थोड़ा सा टचअप तो चला तो है? नहीं, थोड़ा सा टचअप तो होता है, क्योंकि क्या होता है कैमरे पे एकदम भी शक्ल अजीब लगती है, अभी मैंने मेकअप नहीं किया, लेकिन हाँ मैं थोड़ा, जो वैभव राजगुप्ता जो है ना वो मेकअप नहीं करवाते। अच्छा, उनको पसंद नहीं है मेकअप करना, हाँ वो मेकअप नहीं करवाते, बाकी तो हम थोड़ा बहुत सभी लोग करवाते हैं। अच्छा, अगर वो नेचुरल नेचुरल सुंदर है तो वो, हाँ उसका ये है। अच्छा, सुंदर तो तुम हूँ, लेकिन अगर बात करें हर्ष की, तो हर्ष बाकी सब आर्टिस्ट से कितना सीखने को मिल रहा है तुमको? मतलब वो सीखने की तो
प्रोसेस चलती रहती है कि मैं आर्टिस्ट की बात नहीं है, मैं सबसे यूजुअली सबसे ही सीखता हूँ, और सीखना बहुत एक अच्छी सी बात है और सबसे सीखना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। मैं सीखना कभी रोकता नहीं हूँ, कैसे भी सीखो। आपको कभी कभी आपसे कोई छोटा भी सिखा जाता है जिसने आपसे काम कम किया है, और जिसने बहुत ज्यादा काम किया वो भी नहीं सिखा पाता। तो सीखना तो कभी मैं सबसे ही सीखता रहता हूँ, और इन सबसे तो इतना कुछ सीखा, फन, प्यार और वॉर्म्थ हमेशा मिलती है। जमील सर इतने अच्छे एक्टर हैं, गीतांजलि जी, वैभव भाई, सभी एकदम, सुनीता जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं सब लोग। अच्छा अगर बात देखो, पहले हमने देखो तो सब एपिसोड अलग अलग होते, कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब हर जिंदगी में छोटी छोटी जो समस्या होती है उनको लेकर हर एक एपिसोड बनाओ गए हैं। तो जी सीजन टू में अगर बात करें तो कैसे, मतलब कैसे कैसे एपिसोड हुए हैं और एपिसोड में का हुए है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सा सरप्राइज है। लेकिन ये जरूर है कि हमने हमेशा से यही पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि ये किस्से है, कहानियां नहीं है, क्योंकि कहानी होती तो ये खत्म हो जाती। सही बात है। इसका मतलब आते रहेंगे जब तक हमसे बनता रहेगा। और तो हाँ। ये अच्छा, अगर एक किस्सा तुम सुनाओ तो एक किस्सा सुना दे, कोई सोई, मतलब जरूरी नहीं है कि गुल्लक को ही। अगर हर्ष की बात करें तो हर्ष अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो एक किस्सा जो तुम्हारे साथ सेम सेम टू सेम भाव हुए। सेम टू सेम ऐसा तो कुछ किस्सा है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसी बात नहीं, बिल्कुल होते। जब दो भाई होते तो मम्मी पापा जब बाहर चले जाते ना घूमने के लिए, तब खूब फाइटिंग होते थे, तो सब में कॉमन होते। ये जरूर था कि मेरा जो भाई है, जो मेरा छोटा भाई है, उस मतलब वो बिल्कुल, मैं उस पे बहुत मतलब तानाशाही कसता रहता हूँ, मतलब वो हर जगह ही होता है कि, लेकिन हाँ वो मतलब वो बहुत वैसा किस्म का है, चिड़चिड़ा मिजाज का इंसान है रियल लाइफ में, मतलब वो लोगों पे भड़कता रहता है, लेकिन मेरे सामने थोड़ा सा वो कम ही बोलता है, क्योंकि उसे पता है मैंने उसकी बचपन से बहुत मार वार लगाई है, तो इस वजह से सही है, सही बात है। दुई भाई में प्यार तभी बनो रहा था जब दुई के बीच फाइटिंग होत रहा था बचपन में, तो बड़े हो के सब मिस करत रहा था। चलो छोड़ो, अभी इंटरव्यू खत्म करत है, जाने से पहले अगर हम हर्ष से बोले अपने दर्शकन को क्या कहो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सीजन 1 देखा है तो सीजन 2 को भी उतना प्यार दीजिए, देखिए। मीनू मौसी आप भी सबसे रिक्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो पूरे परिवार के साथ बैठ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि आजकल वेब सीरीज जो बनती हैं ऐसी नहीं बनती कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकें, हम सभी का बहुत प्यार बहुत मेहनत इसमें लगी है, सो प्लीज डू वॉच इट एंड थैंक यू सो मच। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सास बहू और बेटिया से जुड़वे के लिए, फिर मिले हैं। हो बाय मीनू, बाय बाय।